सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जी जब तक दिल में जान है तब तक ना अपना सिर झुकने देना है और ना ही देश का। भरपूर कोशिश करनी है कि जिंदगी में हम भी मुश्किलों का सामना सीना तान कर डट कर करें और ना अपना सिर और ना ही अपने देश का सिर कभी भी झुकने दें। क्योंकि इसी से तो है हमारी पहचान, इस पहचान के बिना हम अधूरे हैं, तभी तो ये तिरंगा है हमारी आन बान शान। और इस बार जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है तो फिर तो देश के लिए ये किसी महोत्सव से कम नहीं है। तभी तो देश की नरेंद्र मोदी सरकार इस जश्न में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर हाथ में, हर घर की छत पर तिरंगा लहराता हुआ देखना चाहती है। तभी तो चलाया गया है हर घर तिरंगा अभियान। और अपने घर से नजर उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये सिर उठाकर लहराता तिरंगा हमारा मान बढ़ाता है। शायद यही महसूस किया वाईएसआर ने, तभी तो एक वीडियो साझा कर उसे जाहिर भी किया है। वाईएसआर के ट्विटर हैंडल से एक बुजुर्ग का वीडियो साझा किया गया है जिसमें बुजुर्ग सामने से जाती तिरंगा यात्रा को ससम्मान सलाम कर रहा है। कंधे पर अंगोछा, शर्ट और लुंगी पहने ये बुजुर्ग तिरंगे को सलाम कर रहा है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लग रहा है। वाईएसआर ने इस वीडियो को कैप्शन दिया है द रियल पेट्रियोटिज्म, क्योंकि इन बुजुर्गवार को किसी ने ऐसा करने को कहा नहीं है लेकिन इन्हें भी इस तिरंगे से प्यार है। वही तो है जो वाईएसआर ने साझा किए गए वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, जिस पर कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। राजा नाम के यूजर ने लिखा, सही बात, परंतु अधिकांश बुद्धिजीवी इस शख्स की देशभक्ति की कद्र नहीं करेंगे, इसे मानसिक विक्षिप्त आदमी कहेंगे। आजकल देश में राष्ट्रभक्त देशभक्त का तमगा सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री और भाजपाइयों को ही मिला है। लाला राम नूह दास पासी ने लिखा, असली भक्त दादाजी हैं जो सलामी दे रहे हैं, असली भक्त देहातों में रहते हैं, ऐसे भक्तों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वेंकट ने लिखा, सैल्यूट टू दिस एल्डर पर्सन। पीएम मोदी की एक अपील पर लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा सजा लिया, उसके अलावा भी देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, फिर चाहे वो यूपी हो या फिर बंगाल, हर तरफ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोग तिरंगा यात्रा निकालते दिखाई दे रहे हैं। महसूस हो रहा है कि देश ने आजादी के शानदार 75 साल पूरे किए हैं और ये उसी का जश्न है जो मनाया जा रहा है। इन तिरंगा यात्राओं में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भारत माता की जय का उद्घोष सुनाई दे रहा है, देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है, डल झील में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के दुश्मनों को भी इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए, इन तस्वीरों को देख देश की एकता और अखंडता का अंदाजा लगा लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि नया भारत है जो अपने देश से, अपने तिरंगे से बहुत प्यार करता है और इसका एक एक नागरिक अपने वतन पर मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर तैयार बैठा है। इससे आतंकियों को भी सबक लेना चाहिए, इन दृश्यों को देख आतंकियों के मन में भी खौफ भर जाना चाहिए, क्योंकि भारत, नरेंद्र मोदी का नया भारत खुला हाथ नहीं है जिसकी अलग अलग उंगलियां हैं, बल्कि एक पूरी मुट्ठी है जिसे खोल पाना नामुमकिन। वैसे वाईएसआर की तरफ से साझा किए गए वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अंदर इस बुजुर्ग को देखकर कैसी भक्ति की भावना जगी? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।